हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्री राहुल किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर पराठा। तो इसके लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स है, ग्रेटेड पनीर, चॉप्ड टोमेटो, देन ग्रीन चिली, चॉप्ड चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स दैट इज धनिया एंड अनार के दाने। तो आइए हम बनाते हैं हमारा पनीर स्टफिंग। इसके लिए पनीर को मैंने एक प्लेट में लिया और अच्छे से इसको और मैश किया। दिस इज होममेड पनीर। इसको अच्छे से हम मैश करेंगे, उसके बाद हम मिलाएंगे चॉप्ड टोमेटो, देन ग्रीन चिली, अनार के दाने, देन कोरिएंडर लीव्स। ये हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए। अब हम मिलाएंगे मसाले। सबसे पहले सौंफ, देन नमक, सॉल्ट, देन रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची। उसके बाद हम मिलाएंगे गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्ची और अमचूर पाउडर। ये हमने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए। थोड़ा सा जीरा भी इसमें हमने मिलाया है सिका हुआ। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। नो अनियन, नो गार्लिक पेस्ट, नो जिंजर पेस्ट। इट इज़ वेरी इजी स्टफिंग एंड वेरी क्विक टू प्रिपेयर। तो इसमें जो हम चपाती बनाएंगे, इसमें हम चपाती की छोटी छोटी बॉल्स लेंगे, बिल्कुल जो हम कैजुअली लेते हैं उससे थोड़ी सी कम। दो चपाती हम इसमें बनाएंगे। इस तरह से मैंने एक चपाती रोल की है, बिल्कुल पतली पतली लेयर हमको बनानी है। देखिए, दो चपाती मैंने बना ली है। अब इसमें हम हमारी पनीर की स्टफिंग स्प्रेड करेंगे, चारों तरफ फैलाएंगे इसे हम। देखिए, इस तरह से चारों तरफ मैंने इसको फैलाया। अब इस चपाती को मैंने अपोजिट साइड रख के इसको कवर किया। इस चपाती के बाउंड्री में आप ऑयल भी लगा सकते हैं, पानी भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें यूज़ नहीं किया फर्स्ट टाइम, तो अगर आपको लगता है कि चिपक नहीं रही है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ऑयल हम चारों तरफ स्प्रेड करेंगे। बहुत ही टेस्टी पनीर का पराठा बनता है। नॉर्मली पराठा हम सिर्फ एक लेयर के साथ बनाते हैं, ये आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही क्रिस्पी बनता है क्योंकि इसमें चपाती इस पतली पतली लेयर की होती है, तो उससे क्रिस्पीनेस बहुत आ जाता है इसमें। अब हम इसको टर्न करके इसमें ऑयल लगाएंगे। देखिए, पलटे से इसको आप टर्न करेंगे। ये मैंने दोनों तरफ ऑयल लगाया, फ्लेम आप मीडियम रखें। ये मैंने पराठे पे अच्छे से ऑयल लगाया, पलटे से इसको दबाया ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। देखिए, पराठा हमारा लगभग तैयार है। देखिए, अब दूसरी बार मैं आपको एक तरीका और बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक रोटी के लेयर पे थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ बाउंड्री पे लगाया है, फिर इसके ऊपर कवर किया है ताकि ये और अच्छे से चिपक जाए, खुले ना। वैसे तो ये जो दो लेयर लगाने का जो लॉजिक है, पूरी परत दोनों अलग रहती है आपस में, तो वो बहुत ही अच्छी दिखती है। देखिए, ये हमारा तैयार है पनीर पराठा। आप ये पालक पराठे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, पत्ता गोभी, आलू एंड एक्सेट्रा, जो भी पराठे आप बनाते हैं और खाते हैं आप भी ज़रूर ट्राई करें। इसको सर्व करें ग्रीन चटनी, केचप सॉस, दही, वॉट एवर, और बनाएं और बताएं मुझे आपको कैसा लगा। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी।